व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी अमजेन, यू आर वाचिंग HCX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं द बॉयज़ मीम, द बॉयज़ ढग लाइक मीम्स, मीम्स गुरी बोलते, ये कैसे नहीं, गुरी बोलते चैनल का नाम है, यहाँ से हैं। और यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, दे आर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़, डोंट टेक इट सीरियस, हेडफोन्स लगाओ और नहीं तो पूरा पिटोगे, तो लगा लो हेडफोन। मुझे भी नहीं पता क्या आ जाएगा, मैंने तो लगाए हुए हैं, आप भी लगा लो। स्टार्ट करते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लो, सब्सक्राइब कर लो, नई नई चीज़ें सजेस्ट करना। 3 2 1 9। क्या करें भैया, पूरा दिल्ली तो वड़ा पाव खाने में व्यस्त है आजकल। तो आप भी वड़ा पाव बेच लो मैम, इतना बढ़िया सामान है आपका, खाली क्यों बैठे हो? कौन से सामान की बात कर रहे हैं तू भाई? क्या हाल चाल है, स्वागत है आपका मीम्स की दुनिया में। ये वीडियो सिर्फ फन के लिए है, तो कोई भी बंदा सीरियस मत लेना, लाइक और शेयर करना। अभी तो क्या ही है, वीडियो को शुरू करते हैं आपकी पसंदीदा इंट्रो के साथ। पसंदीदा इंट्रो ओमान के बारे में, सबसे अच्छी चीज बाकी और मिडिल ईस्टर्न कंट्री से कंपैरिजन में ये है कि ये बड़ा खाली सा देश, यहाँ कहीं भी जाओ कोई ज्यादा भीड़ नहीं होती, बहुत कम लोग मिलते हैं, तो हर जगह बड़ी शांति से एक्सप्लोर करी जा सकती है। A few minutes later. अब तो ग्लास हो गया, नहीं तो इस गड्ढे में भी गिर जाते, अगर तेल से बचने के लिए आगे भागते तो गड्ढे में गिरते। दो गड्ढों से बच गए, देखते हैं तीसरा गड्ढा। अरे ये आ गया तीसरा गड्ढा, तीसरा गड्ढा। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? किस टाइप के रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे? मैं रील्स देखती ही नहीं हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि वो मुझे ना मैसेज इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ऑनेस्टली, या मुझे व्हाट्सएप करें, मैं इंस्टाग्राम खोलती ही नहीं हूँ। चल झूठा। आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना ये सर। देखो अब तक पूछेगा तो मालूम है, इंस्टाग्राम खोलती नहीं तो पोस्ट कैसे आ जाती है? बगैर म्यूजिक के कितना अजीब लग रहा है। इंस्टाग्राम खोलती ही नहीं हूँ। वुमेन कितनी सेंस। हाँ, इसका दूसरा वाला वीडियो देख के तो मैं भी हिल गया था। मैंने कहा ना ये बड़े धार्मिक से रील्स बनाती थी, और फिर मैं वो देख के हैरान। ये देखो एग्जैक्टली यही मेरी फीलिंग थी, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट। सोने हो, केड़े रंगा दा शेक चाहिदा, तोड़े अपने रंग वर्गा चीकू शेक चाहिदा, मिल जूगा, मेरे चेहरे रंगिया स्ट्रॉबेरी शेक चाहिदा, मिल जूगा, जे तुहानू भी चॉकलेटी शेक चाहिदा आ, मिल जूगा, एदे रंग वर्गा ब्लैक करंट शेक चाहिदा, मिल जूगा। लोगी जंगल दे काले दे लिबास दी कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग, तो बड़ी गोरी है। कोऑर्डिनेशन में थोड़ा कमी हो रहा है, जैसे हार्दिक पांड्या जो है उनको थोड़ा बहुत टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके करना चाहिए, तो माइट बी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। पांच रुपए का मक्खन हार्दिक भाई टक्का, मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है, हार्दिक भाई टक्का के सिरा पर नहीं। हार्दिक पांड्या के बारे में बोलोगे बहुत बुरा लगेगा। फुलेरा कहां गलती कर रही है? कहां गलती कर रही है? अरे बच्चे से पूछ रहे हो, वो तो खुद गलती हुआ है। पांडे पनोती है सारी उम्र में जो कर जब बड़े आ, पीछे क्यों पड़े हैं सब इसके, क्या हुआ है? कैसे हुआ होगा एक्सीडेंट यार, है ना? कैसे हुआ? अगर आगे से लगती तब यार बैग खुलते ना। कैसे हुआ होगा? नशे में हुआ होगा, कोई नशे में गाड़ी चला रहा होगा और हो गया होगा। नशे में? हां नशे क्या होता है? नशे जिसने पी रखी होती है। क्या पी रखी होती है? दारू। आजकल के बच्चे, दारू क्या होता है? दारू एक चीज होती है जिसमें की केमिकल होता है। केमिकल होता है? हाँ। पीनी चाहिए? नहीं। क्यों है? क्यों? क्योंकि थोड़ा जो ड्राइवर होता है ना उसको नहीं पीनी चाहिए, बाकी सब बाकी लोगों को पीनी चाहिए। आप पियोगे? आप पियोगे? नहीं। तो फिर क्यों? क्योंकि मैं भी गाड़ी चलाऊंगा ना। अच्छा, अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पियेंगे? गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पियेंगे? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है, ओरा के सिरा पर नहीं।
भी, तो मेरा मेन मकसद बड़ा सॉर्टेड रहता है, मैं अपनी ऑडियंस के लिए गाने लगता हूँ। पाजी आप सुबह 6:30 बजे उठकर लेजेंड मूवी लेजेंड अमिताभ बच्चन जी के लिए रैप लिख रहे हैं नया, क्या कहेंगे उस चीज़ के बारे में? उठकर नहीं भाई, मैं सोता ही सुबह 7 बजे। सारी रात क्या करते हो? पार्टी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिल्कुल लड़ पीजे वाली नहीं मेरे घर एक चो, मगर क्यों बोला आपकी डोई इतनी ऊपर क्यों है? और मैं माइक भी नहीं ले गई थी। टॉयलेट के लिए जाओ तब भी लेके जाते हैं? हाँ, अरे ऐसे पहने पहने आप चले गए तो चले गए, बात अलग है, लेकिन ऊपर जैसे आपकी रूफ है ना, ऐसे छोटा सा माइक लगा हुआ है वहाँ पे। हाँ, पॉटी करने जाते हैं वहाँ पे भी माइक होते हैं? हाँ। माइक लगाए हुए इतना तो सबके टोटे बना रखे होंगे, कैमरे भी लगा के। 9 बजे जाता हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए, मेरे मम्मी पापा का सपना है मुझे IAS बनाने का। अच्छा, और तुम्हारा? मेरा भी वही सपना है, 8182 16 83 24 84 32 85। उस टाइम आपको लगता था आप दुनिया के सबसे महान एक्टर हो? पीने के बाद लगता है, हमेशा आज भी लगता है। नशे में सबके ही लगता है। फिर लास्ट टाइम पीने के बाद कब ऐसा किसी को आपने प्रोक्लेम किया कि हट कौन शाहरुख आमिर मैं हूँ सब? नहीं, वो उस तरह की चीज तो मुझे बिना पिए भी लगती है। अहम ब्रह्मास्त्र। क्या सबसे मेहनती एक्टर आप हो जो आप जानते हो? मैं मेहनती नहीं हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने एक भ्रम फैला रखा कि मेहनत करता हूँ मैं। तो फिर क्या बकचोद हो एकदम, काम ही नहीं? हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। बोलो जुबा केसरी। नमस्कार। पिचकारी नहीं आई पापा? भाई सज्जो, ये रहे रुपए जो मैंने आपसे ब्याज पे लिए थे। इसका ब्याज दो 3,000 रुपए। ये लीजिए। किसी और को पैसे चाहिए हो ब्याज पे तो हमारा पता बता देना। पापा 20,000 रुपए देना, थोड़ी जरूरत है। और मुझे 10,000 रुपए दो। कल ही तो तुम दोनों को 10,000 रुपए दिए थे। बुड्ढे तुझसे कितनी बार कहा है, हमारी बात एक बार में सुना कर। इधर आइए जरा। किसी बड़ा पाव गर्ल को किसी का नाम भी पता है? सारे कस्टमर बोले थे चंद्रिका गेरा दीक्षित, वो प्राउड है। फ्लैशबैक। मैम हमारी ऑडियंस को अपना नाम बता दीजिए। सबको पता है क्या नाम है मेरा? एक लोग बोला एक साथ हो जा रहे थे। ये बगल में कौन बैठे तुम्हारे? बगल में दोस्त है। दिखाओ ना शक्ल। क्यों देखनी है शक्ल? क्या पता अच्छा दिखता हो। नहीं नहीं। हाँ, अच्छा 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 लगा। सारी उम्र में झोंकर। ओके ओके ओके, तो ये थे मीम्स। बहुत ज्यादा हाई फाई मीम्स तो नहीं थे, लेकिन ठीक है, गुजारा था। खास तौर पे वो यार इसमें वॉइस का ठग लाइफ कम, वॉइस की फिक्की ज़्यादा थी। जैसे लास्ट वाला क्लिप था, वड़ा पाव घर के भी सही मीम्स थे, कुल्लड़ पिज़्ज़ा वालों का भी सही मीम बना रखा था। लेकिन अगर हम बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, यार लेजेंड एक्टर है ये तो, मानो ना मानो। नाम खान लगाने से कोई नहीं बड़ा बनता, कहाँ माना चाहिए, बंदा है एक्टिंग तो सही कर लेता है। और फिर था बिग बॉस के माइक, कहाँ 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 के हैं हमको क्या पता। बहरहाल ये थे मीम्स, अपना ख्याल रखना, सब्सक्राइब करते रहो। सी यू गाइस।